स्कूलों में भेजी जा रही है। दो पुस्तकाओं का यहाँ पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से हो रहा है। पर जोरदार कर्तव्य से स्वागत करते हैं। हम दिए जा रहे बातों के जीवन में और उनके विचारों से हमें सीखना होगा। अक्षरों का संसार अलग ही होता है। अब आया सर, आया सर, हेलो। ये संसार है ज्ञान का, विज्ञान का, उन्नति का, जीवन की प्रशस्ति का। आगे बढ़ा हाँ बाहर इंदौर में तो छत्तीसगढ़ में आ गया। अभी स्पीड ठीक हो रहा है सर, धीरे से। हेलो, thank you।
इस विभिन्न वाली अवस्था थी। अब उस घड़ी का इंतजार खत्म हुआ है, इसलिए हमें ये सब भी से इंतजार था। जी हां, मुख्यमंत्री अक्षर सम्मान, हमारे प्रदेश में उत्साह और उल्लास के साथ जुड़े अक्षर सैनिकों सेवाभावी कार्यकर्ताओं के श्रम का परिणाम है कि गांव गांव से आखिर की डर उठी और जन जन इससे जुड़ते हुए साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अक्षर सम्मान प्रारंभ किया गया। इसमें श्रेष्ठ जिले विकासखंड और ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष मुख्यमंत्री अक्षर सम्मान प्राप्त किया है रायपुर जिले में मुख्यमंत्री शहरी साक्षरता कार्यक्रम नवाचार गतिविधियों का आयोजन आदर्श लोक शिक्षा केंद्रों का संचालन। मैं रायपुर जिले के कलेक्टर और अध्यक्ष श्री ओपी चौधरी साहब से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सदस्य श्री नीलेश सिंह सागर जी से, डीपीओ श्री संजय गुहे से आग्रह करूंगा कि सम्मान प्राप्त। इसके पश्चात दूसरा जिला है दूरस्थ अंचल का जिला बलरामपुर, जहां डिजिटल साक्षरता की गणना बढ़ी। श्री सी एन राम, श्री ओम प्रकाश गुप्ता और श्रीमती सीमा सिंहदेव से आग्रह है कि अपना सम्मान पुरस्कार प्राप्त करें। सम्मान में 1,00,000 रुपए का चेक, एक मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। बलरामपुर स्वागत करें इस प्रयासों का। इसके पश्चात विकासखंड की श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है सरगुजा जिले का लखनपुर विकासखंड, यहां से पुरस्कार प्राप्त करने आ रहे हैं जनपद अध्यक्ष श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, सीओ जनपद श्री अजय सिंह, डीके गुप्ता जी। लखनपुर के बाद श्री प्रधान तैयार हैं, सांसद पुत्र भी हैं श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, कमल भानन सिंह जी ने बहुत योगदान दिया ही है। इसके पश्चात छुई खदान जिला राजनांदगांव ने विकास खंड का पुरस्कार प्राप्त किया है। विकास खंडों को एक मोमेंटो, एक प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी की पहल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। छुई खदान के बाद पुरस्कार प्राप्त किया है बस्तर जिले का बस्तर गांव, यहां जिस अंचल के निवासी हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी श्री शशिकांत सिंह गौतम, जिला परियोजना अधिकारी और श्री हिमांशु शेखर झा से अनुरोध है कि पुरस्कार प्राप्त करें। मुख्यमंत्री अक्षर सम्मान की कड़ी में अब बारी आती है ग्राम पंचायतों की। ग्राम पंचायतों का पहला पुरस्कार प्राप्त किया है कबीरधाम जिले के खैरजीठी ग्राम पंचायत, वहां के सरपंच श्री लक्ष्मण साहू जी और महेश सिंह ठाकुर रिसोर्स पर्सन से मेरा अनुरोध है कि वाए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इन प्रयासों के लिए, ताली बजाने में कोई कमी नहीं करें। दूसरा ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्राप्त किया है महासमुंद जिले के सुखरी डबरी, वहां के सरपंच केशव ध्रुव और डीपीओ श्री रेखराज शर्मा जी से अनुरोध है कि वे आए और ये पुरस्कार प्राप्त करें। उनके साथ श्री रेखराम द्वितारे जी किसी भी आए। तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है दूरस्थ अंचल छत्तीसगढ़ का बॉर्डर सुकमा जिले के मणिकोटा ग्राम पंचायत श्री ई निवास और बीपीओ श्री सत्यराज महाराज जी का अनुरोध है कि ये पुरस्कार प्राप्त करें मणिकोटा सुकमा जिले का। इसके पश्चात पुरस्कार प्राप्त किया है कोरवा जोन के तिलकेदार सांसद आदर्श गांव में, वहां के सरपंच श्री कुल सिंह का
अध्यक्ष जिला पंचायत देवी सिंह के काम और जिला परियोजना अधिकारी श्री सतीश प्रकाश सिंह संदोध है कि वे पुरस्कार प्राप्त करें। ग्राम पंचायतों को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र और 25,000 रूपये का चेक प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात पुरस्कार प्राप्त किया है बिलासपुर जिले में खाता खोला लिंगियाडी ग्राम पंचायत। लिंगियाडी ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं सरपंच अनिल राठौर, जिला परियोजना अधिकारी श्री आर एस राठौर और एक देशी आरती गोपाल। अगली ग्राम पंचायत है कोरिया जिला, कोरिया जिले के छोटे कलवा ग्राम पंचायत, वहां के सरपंच श्री नरवत सिंह, नोडल अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह, श्री विजय नाथ वाजपेयी जी संगोरे के पुरस्कार प्राप्त करें। मुख्यमंत्री अक्षर सम्मान। इसके पश्चात ग्राम पंचायत की श्रेणी में सातवीं ग्राम पंचायत है रायगढ़ जिले की भकुरवा ग्राम पंचायत, ये भी सांसद आदर्श गांव है। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी का सांसद आदर्श गांव रायगढ़ का भकुरवा ग्राम पंचायत। सरपंच श्री दिल सागर सदा, डीपीओ पूर्व डीपीओ श्री आर बी राजा सिंह और वर्तमान डीपीओ श्री देवेंद्र कुमार जी आए और अपने पुरस्कार प्राप्त करें। इसके पश्चात प्रेरकों के सम्मान की बारी है, प्रेरक अक्षर सम्मान। सबसे पहले भकोरा रायगढ़ के श्री विष्णु प्रसाद यादव, श्रीमती संतोष सिंह गुप्ता। तालियां बजती रहे मुख्यमंत्री अक्षर सम्मान। श्री विष्णु प्रसाद यादव और श्रीमती संतोष सिंह यादव तैयार हैं पुरस्कार के लिए। इसके पश्चात कोरबा जिले के तिलकजा ग्राम के श्री भोग सिंह कंवर और सुश्री राममती उराव, ये दो प्रेरकों का सम्मान। ये ऐसे प्रेरक हैं जिनकी पंचायत राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई है, उन प्रेरकों का इस बार सम्मान किया जा रहा है। तालियां बजती रहे हमारे प्रेरक साथियों के लिए। साक्षर भारत के कौन केवैया प्रेरक दीदी प्रेरक भैया, जोर से बोलिए प्रेरक दीदी प्रेरक भैया। बिलासपुर लिंगिया डी के श्रीमती लता यादव और श्रीमती सेतु मानिकपुरी तैयार हैं अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए। अगला सम्मान है कोरिया जिले के छोटे कलवा का श्री जयप्रकाश और सुश्री सोनिया, ये सम्मान प्राप्त करेंगे। जोर से तालियां बजाएंगी। अगला सम्मान प्राप्त करने वाले प्रेरक हैं कबीरधाम जिले के करझिटी ग्राम पंचायत श्री गिरवर जायसवाल, श्रीमती सुनीता चंद्रवंशी। श्री गिरवर जायसवाल और श्रीमती सुनीता चंद्रवंशी करझिटी कबीरधाम। इसके पश्चात पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं महासमुंद जिले के सुखड़ी डबरी ग्राम पंचायत के श्री दामन साहू और श्रीमती नंदनी साहू। ये हमारे ऐसे प्रेरक हैं जिन्होंने शासन के समस्त योजनाओं में कन्वर्जेंस किया। अब ऐसी ग्राम पंचायत को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो चुकी है, ग्राम पंचायत टेमरी रायपुर जिले की ग्राम पंचायत टेमरी, जिसके श्री उमेश बंजारे श्रीमती लक्ष्मी बंजारे सम्मानित होंगे। अगली ग्राम पंचायत के प्रेरक हैं सुकमा जिले के मणिकोंटा ग्राम पंचायत के प्रेरक श्री लाल सिंह नायक और सुश्री डी ज्योति। इसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत करमहा सरगुजा जिले की। करमहा श्री प्यारेलाल और सुश्री नंद कुमार। प्रेरकों के सम्मान बहुत
इसके पश्चात सेवकों के अक्षर सम्मान के पश्चात आप बारी है कौशल विकास में मदद करने वाले जन शिक्षण संस्थान को पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। वो जन शिक्षण संस्थान सरगुजा श्री एम सिद्धिकी निदेशक और श्री अंजुलस लकड़ा एपीओ से अनुरोध है कि अपना सम्मान प्राप्त करें। मुख्यमंत्री अक्षर सम्मान पहली बार जन शिक्षण संस्थान को भी दिया जा रहा है। इसके पश्चात जन शिक्षण संस्थान के पश्चात अब राष्ट्रीय स्तर पर जिन्हें सम्मानित किया गया उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की उपस्थिति में उनका सम्मान भी माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। ये है जशपुर जिला श्रीमती गोमती साय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री शशिकांत सिंह जिला परियोजना अधिकारी श्री भागू राम को वायर सम्मान प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जितना सम्मान किया। हाँ, आइडिया लगा रहा हूँ। दंतेवाड़ा जिले को भी सम्मान प्राप्त हुआ है। श्री मनीष सुराना जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रत्नबाला मोहंती डीपीओ और श्री प्रशांत शर्मा जी टेमरी ग्राम पंचायत में श्री तीजा बंजारी श्री मोहम्मद इकबाल और सुनीला शर्मा जी और सरगुजा सरगुजा ने भी ये पुरस्कार प्राप्त किया है राष्ट्रीय स्तर उनका सम्मान श्रीमती हरमनिया सरपंच श्री गिरीश गुप्ता डीपीओ और श्री श्याम साहु सचिव। ये दंतेवाड़ा जिला सम्मानित हो रहा है रत्नबाला मंत्री के नेतृत्व में। ये सरगुजा जिले का करमा है जो सम्मानित हो रहा है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। धन्यवाद अतिथिगण। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिनके नेतृत्व में राज्य साक्षरता मिशन नवाचार कर रहा है राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी के अध्यक्ष और माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री केदार कश्यप जी को उनके आशीर्वचन के लिए आदरणीय श्री केदार कश्यप बोले भारत माता की वंदना।